शिक्षा विधि एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश भारद्वाज की अध्यक्षता में भोरंज विधानसभा क्षेत्र की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला भोरंज में जनमंच का आयोजन किया गया। इसमें कुल 135 शिकायतें प्राप्त हुई, जिसमें से अधिकांश का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया। इनमें से 24 शिकायतें पूर्व जनमंच चरण में प्राप्त हुई थी। जनमंच के लिए इस बार क्षेत्र की 12 पंचायतों का चयन किया गया था। शिक्षा विधि एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश भारद्वाज की अध्यक्षता में भोरंज विधानसभा क्षेत्र की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला भोरंज में जनमंच का आयोजन किया गया। इसमें कुल 135 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें से अधिकांश का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया। इनमें से 24 शिकायतें पूर्व जनमत चरण में प्राप्त हुई थी। जनमत के लिए इस बार क्षेत्र की 12 पंचायतों अमरो बुक्कड़ कक्कड़ गरसाहड़ पपड़ा हनोह जाऊ दीरल दमरोल लुदर महादेव टिक्कर मिनहासा एवं भोरंज का चयन किया गया था। आज जनमत कार्यक्रम के दौरान अधिकांश मामले राजस्व विभाग के प्रस्तुत किया गया, जिसको देखते हुए शिक्षा मंत्री ने विशेष अभियान चलाने के निर्देश जिला प्रशासन को दिए। सुरेश भारद्वाज ने कहा कि जिला राजस्व अधिकारी 23 समय सीमा में ऐसे सभी मामलों का निपटारा करेंगे। भूमि आवंटन के मामलों की जांच के लिए उपमंडलाधिकारी बीपीएल से जुड़े मामले, खंड विकास अधिकारी तथा सहकारी सभाओं से जुड़े मामले अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी को सुलझाने के निर्देश दिए। इस अवसर पर सुरेश भारद्वाज ने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के युवा नेतृत्व में प्रदेश सरकार की प्राथमिकताएं एवं कार्य करने की पद्धति में सकारात्मक बदलाव आया है। गठन के प्रथम दिवस से ही सरकार जन कल्याण के लिए समर्पित है और गत 2 वर्षों में कई नई योजनाएं प्रारंभ की गई हैं। जनमत गुड गवर्नेंस की दिशा में कारगर साबित हो रहा है और इससे लोगों की छोटी छोटी समस्याओं का घर द्वार पर ही निदान सुनिश्चित हुआ है। उन्होंने कहा कि जनमत में व्यय को लेकर कुछ लोग व्यर्थ की आलोचना में लगे रहते हैं, जबकि जनता से प्राप्त पैसे का उपयोग जनमत के माध्यम से जनता की भलाई पर ही खर्च किया जा रहा है। इससे पूर्व उन्होंने विभिन्न विभागों की प्रदर्शनियों का अवलोकन कर प्रौद्योगिक सेवाओं की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने सशक्त महिला योजना के अंतर्गत जमा 2 कक्षा में सत्र 2018-19 में जिला स्तर पर प्रथम रही 5 छात्राओं अर्चिता राणा, साक्षी ठाकुर, अंजलि शर्मा, शिवाली तथा निकिता शर्मा को 5,000 रुपए की राशि के चेक तथा बेटी है अनमोल योजना के अंतर्गत 8 बच्चियों कुमारी अंकिता 10,000 रुपए, राधिका, अनिका रावल, आराध्या, अवंतिका सिया, इशिका तथा सानवी को 12,000 रुपए की राशि के समाप्ति जमा के ड्राफ्ट प्रदान किए। इसके अतिरिक्त एक बूटा बेटी के नाम योजना के अंतर्गत पौधा रोपित किया। इस मौके पर स्थानीय विधायक कमलेश कुमारी, उपायुक्त हरिकेश मीणा, उपमंडलाधिकारी भोरंज अमित शर्मा, भोरंज भाजपा मंडल के अध्यक्ष देशराज शर्मा, चुने हुए जनप्रतिनिधि, विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी, पुलिस अधीक्षक अरजीत सिंह, अतिरिक्त उपायुक्त रतन गौतम सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। ठाकुर जयराम जी की सरकार का महत्वाकांक्षी कार्यक्रम जनमंच का ये 14वां संस्करण है और भोरंज में ये 4था जनमंच होगा। जो बिना सूचना के अधिकारी उपस्थित नहीं रहे, उनकी एक्सप्लेनेशन कॉल की गई है। आज मौके पर 111 कंप्लेंट्स आई है। ये डिमांड्स नहीं है, अधिकांश सभी जो है वो कंप्लेंट्स हैं और इसमें से जो है वो 15 कंप्लेंट तो तुरंत जो है वो इफेक्टिवली डिस्पोज ऑफ हो गई है, बाकी में आदेश जो है वो विभिन्न अधिकारियों को कर दिए गए हैं। यहाँ पर अधिकांश समस्याएं व्यक्तिगत आपसी जो है वो झगड़ों की और कुछ रेवेन्यू की डिमार्केशंस के हैं, कब्जे के हैं, तकसीम के हैं, इस प्रकार के केसेस जो हैं वो ज़्यादा आए हैं, जिनको मौके पर जो है वो DC स्वयं जो है कलेक्टर होते हैं, SDM को जो है सब डिविजनल कलेक्टर की पावर्स होती हैं, इनको विशेष आदेश दिए गए हैं के रेवेन्यू के जो केसेस डिमार्केशन इत्यादि के हैं, जो शायद किसी कारण से यहाँ पर जो है बहुत अच्छे से रुके पड़े हुए हैं, उसके लिए जो DRO हैं, डिस्ट्रिक्ट रेवेन्यू ऑफिसर हमीरपुर, उनको स्पेशल ड्यूटी जो है वो असाइन की गई है कि इन केसेस को जो है वो तुरंत एक मुहिम के तौर पर 6-7 दिन यहाँ पर जो है वो लगा करके
इनका जो है वो निराकरण कर दें।